नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आने वाले हैं। आज शाम वो पटना पहुंचेंगे। ऐसे में शाम को पटना पहुंचने के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक मीटिंग होगी और उसके अगले दिन यानी कि रविवार को वो नवादा में एक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार टूटी है तब से बीजेपी के आला कमान बिहार को लेकर काफी ज्यादा फोकस है और ऐसे में अमित शाह एक के बाद एक यहां पर दौरा कर रहे हैं और इसी बीच आज जो है शाम को वो पटना पहुंच रहे हैं। बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है अमित शाह का बिहार दौरा जल्दी जल्दी हो रहा है। पिछले 6 महीने में वो 4 बार बिहार आए हैं। अमित शाह इस बार कुशवाहा समाज को साधेंगे। पिछली बार सहजानंद सरस्वती की जयंती पर वो पटना 25 फरवरी को आए थे। उससे ठीक 35वें दिन यानी 1 अप्रैल को पहले पटना फिर सासाराम और नवादा पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सभी दौरे लोकसभा प्रवास के दौरान किए जा रहे हैं। सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो कुशवाहा समाज से आते थे, इसलिए कुशवाहा समाज को साधने से पहले बीजेपी ने इसी समाज से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दाव खेला है। बता दें कि बिहार के सत्ता से हटने के बाद अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर पहुंचे। यहां से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। अमित शाह ने अपने रैली के माध्यम से सीमांचल के चारों जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार साधने की कोशिश की। ये चारों मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। इन इलाकों में अमित शाह ने 2 दिन रहकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिलकर फीडबैक लिया। इस पूरे इलाके में किस तरह भाजपा को स्थापित किया जाए इसका मूल मंत्र भी दिया। और ऐसे में देखिए कि आज शाम एक बार फिर अमित शाह जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद रविवार को वो नवादा और सासाराम में एक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो बड़ा मैसेज दे सकते हैं। बता दें कि कुशवाहा समाज को साधने की इस बार कोशिश की जाएगी। जी हाँ, और ऐसे में सम्राट चौधरी जो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, बीजेपी के आला कमान ने उनको नई जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और अब जो है अमित शाह जो रैली करने वाले हैं, जो सभा करने वाले हैं नवादा और सासाराम में, वहां पर भी कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि कुशवाहा समाज जो है वो जदयू का कोर वोटर है और ऐसे में देखिए कि एक के बाद एक राजनीतिक प्लान के तहत बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रही है। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इससे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे आईवी टीवी के साथ। धन्यवाद। रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ। टफकॉन XT के साथ।